चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश की भाजपा सरकार को 2500 दिन पूरे हुए हैं और मनोहर लाल जो हैं वो सरकार के 2500 दिनों की उपलब्धियां गिनाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन का जो असर है वो यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किसान जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उसको लेकर यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सैकड़ों जवान पुलिस के यहां पर तैनात किए गए हैं, गाड़ियां पुलिस की हैं, वाटर कैनन यहां पर लाए गए हैं, तो तमाम तरह के जो सुरक्षा के जो प्रबंध होते हैं वो पुलिस की ओर से किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आमतौर पर जो कार्यक्रम होते हैं चंडीगढ़ में वहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान ही तैनात होते हैं, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान पहुँचे हैं और 3 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते जो सरकार का विरोध किया जा रहा है देश भर में, बीजेपी सरकार का और हरियाणा में प्रदेश सरकार का, शनिवार को लाठीचार्ज भी हुआ था किसानों को लेकर, जिसमें एक किसान की मौत भी हो गई थी और उसके बाद लाठीचार्ज के बाद भी किसानों ने काफ़ी हल्ला किया था, काफ़ी उत्पात मचाया था प्रदेश में, जीटी रोड को जाम कर दिया गया था। उसी का असर है, जो विरोध है किसानों को उसको देखते हुए ही जो ये सुरक्षा व्यवस्था है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से यहाँ पर की गई है। और मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर सरकार के 2500 दिन पूरे होने को लेकर पहुँच रहे हैं और पत्रकारों से बात करेंगे और जो सरकार की जो 2500 दिनों की उपलब्धियां हैं वो मुख्यमंत्री गिनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन का, किसान विरोध का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। कितनी बड़ी संख्या में यहां पर हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं, वाटर कैनन यहां पर लगाई गई है ताकि अगर किसानों का प्रदर्शन यहां पर होता है या किसान यहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें विरोध करने से या किसी तरह का जो रोड जाम है या कोई भी जो विरोध प्रदर्शन किसान करते हैं उन्हें यहां पर रोका जा सके। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।